बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड स्किल शेयरिंग में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। आज की जो हमारी वीडियो है तो वो है कि मिनिमम और मैक्सिमम जो फंक्शन है वो हम कैसे यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेल में आपको जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में कि बिल्कुल बेसिक से हमने एक्सेल स्टार्ट किया हुआ है। तो जिन सब्सक्राइबर ने या दोस्तों ने अभी तक वो नहीं देखी प्रीवियस वीडियोज़ जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, तो काइंडली वो वीडियोस देख लें और उसके बाद एक सीक्वेंस से आगे आते जाएं। तो अगर आप मेरे चैनल में जाएं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पे एक्सेल बेसिक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अच्छा, जो मिनिमम और मैक्सिमम का फंक्शन है जो आज की हमारी वीडियो है, तो इस फंक्शन में ये फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसमें हम मिनिमम फंक्शन जो सा होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक लिस्ट है हमारे पास, ये जो से अभी हमारे पास ये सारी हैं, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फार्मूले की हेल्प से, तो आज हम इस वीडियो में वो सीखेंगे। तो ये देखें, ये फ्रूट और इसकी अमाउंट आगे लिखी हुई है। तो इसमें अगर हम मिनिमम वैल्यूज़ की, अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ दो तरीके हैं इसके। एक ऑटो सम वाला है कि आप ये पूरा यहाँ से यूँ सेलेक्ट कर लें और उसको फार्मूले, लेकिन दूसरा तरीका अगर आप मैन्युअली करना चाहें तो वो भी है। तो कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा तरीका है, आप सबसे पहले इक्वल का साइन डालेंगे, पहले एक तरीके को समझें फिर उसके बाद दूसरा हम समझेंगे, ठीक है। अब हमें मिनिमम का चाहिए तो हम मिनिमम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको मैंने बताया था अगर आप इस पे क्लिक करें या टैप करें, तो मैं टैप कर लेता हूं, तो ये देखें ब्रैकेट ओपन हो गया। तो हम अगर मैन्युअली करना चाहें तो ये कौन सा है, ये बी कॉलम है और रो टू है, तो बी टू हम लिख लेते हैं, ठीक है, बी टू। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉमा कॉमा के बाद, या आप इस तरह भी कर सकते हैं डबल डॉट लगा के, उसके बाद ये बी फाइव कर लेते हैं, ठीक है, बी फाइव। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये देखिए सारा सेलेक्ट हो गया, इंटर हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 20 आ रही है, तो ये मिनिमम फंक्शन था। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें, हम इक्वल का साइन डालेंगे, ठीक है, मिनिमम लिखेंगे और फार्मूला ओपन हुआ, तो अब यहाँ से इसको यूँ सेलेक्ट करके बी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आएगा। तो ये तरीका मिनिमम का था। अब हम मैक्सिमम करेंगे, तो मैक्सिमम हम कैसे करते हैं, मैक्सिमम का भी ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए 50 30 10 50, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल के साइन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मैक्सिमम लिख लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। तो जैसे हम मैक्सिमम लिख लेते हैं ये आ भी रहा है, हम अगर इस पे क्लिक करें तो ये डबल क्लिक करें तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक टैप की थ्रू आप कर सकते हैं, एक डबल क्लिक के थ्रू। तो यहाँ पे मैक्सिमम पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे इसी तरह सिंपल हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखें मैक्सिमम वैल्यू जो सी है वो 50 है। इनकेस मैं यहाँ 150 चेंज कर लेता हूँ, तो ये देखिए 150 आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ 560, तो ये देखें 560 ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 10 कर लेता हूँ मिनिमम में, तो ये 10 आएगी। तो इसी तरह ये हो गया। अब यहाँ पे ये जौन सा है आइटम का अमाउंट का, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप मिनिमम वैल्यू लगाना चाहते हैं या मैक्सिमम, तो वो जब आप कर लें इस पे, ये प्रैक्टिस के लिए आप कर लें इस पे, ठीक है। वैसे अगर मैं मिनिमम की करना चाहूँ तो मैं इक्वल के साइन मिनिमम लिख लूँगा, ब्रैकेट ओपन करके यूँ सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम का, 35 इसमें मिनिमम आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं मैक्सिमम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको मैक्स लिख लूँगा, ठीक है, ये मैक्सिमम कर लूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा, इंटर करूँगा, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो गया। ये मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और कमेंट्स में मुझे अपनी राय लाजमी आपने देनी है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।